हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर जिन्होंने बार बार मुझे बोला कि भाई इस पर्टिकुलर शो की अपडेट दो, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो में ये तीनों सीरीज की अपडेट दे दूंगा। तो यार मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द बॉयज सीजन 3 की, अमेजॉन प्राइम वीडियोज की। ये एक ऐसी सीरीज है जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उन ऑडियंस में एक मैं भी हूँ, और इसका सीजन 3 का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अमेजॉन वाले भी कोई कम नहीं है, वो लोगों ने भी सीजन 2 के रिलीज होने से पहले ही सीजन 3 का रिन्यूअल कर दिया था, यानी कि उन्होंने सीजन 3 डिसाइड कर लिया था। और अब जो अपडेट निकल कर आई कि यस सीजन 3 की शूटिंग चल रही है, जो कि इस साल सितंबर में खत्म हो जाएगी। ऑलमोस्ट उनका तो यही टारगेट है कि वो लोग इस साल सितंबर में उस शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बीच में जितना भी कोरोना वायरस का मसला था तो उस वजह से शूटिंग डिले होते गई, लेकिन फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि लोग इसी साल सितंबर में खत्म कर देंगे। तो अगर सितंबर में खत्म होती है शूटिंग, तो उसके 10 से 11 महीने बाद, यानी कि हमें 2022 के जुलाई तक द बॉयज सीजन 3 देखने को मिलेगा। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ कि 10 से 11 महीने, देखो यार जब सीजन 2 की शूटिंग कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद उन लोग ने ऑलमोस्ट 10 महीने लिए थे उसके पोस्ट प्रोडक्शन में, क्योंकि जैसे कि आपको बताया द बॉयज सीरीज में इतने ज़्यादा सीजीआई है, तो उस सीजीआई को करने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है भाई, वो सुपर हीरो वाली सीरीज है। तो इस हिसाब से आप लोग मान के चलो कि अगर सेम पैटर्न लोग ने फॉलो किया तो सीजन 3 भी अगर सितंबर में खत्म होती है शूटिंग, तो उसके 10 महीने बाद यानी कि जुलाई में हमें सीजन 3 देखने को मिलेगा द बॉयज के अमेज़न प्राइम वीडियोस पर। खैर अब हम लोग बात करेंगे लॉस्ट इन स्पेस सीजन 3। अब ये एक ऐसी साइफाई सीरीज है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलती है, बहुत ही गजब का शो है यार। इसके मैंने दोनों ही सीजन के रिव्यू किए, अगर आप लोगों ने रिव्यू चेक नहीं किया तो भाई जाके चेक कर लो यार, लेकिन उस वक्त मेरा चैनल नहीं था तो बहुत ही चुतिया वाला रिव्यू किया मैंने, लेकिन फिर भी कोशिश किया था कि उस टाइम भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें डिटेल बताने की। लेकिन खैर अब हम लोग बात करेंगे कि इसका सीजन 3 कब रिलीज होगा। तो देखो इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मुझे नहीं लगा था कि ये लोग साले इतने फास्ट हो गए, लेकिन कोविड की वजह से इनकी भी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी इनके जो क्रिएटर्स हैं उन लोगों ने मेहनत करके, इनके जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने मेहनत करके इसकी शूटिंग तो कंप्लीट कर ली है। अब ये पोस्ट प्रोडक्शन में, तो अब देखना ये है कि इसी साल के एंड तक मे बी हमें लॉस्ट इन स्पेस सीजन 3 देखने को मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे। अब देख लो भाई, मैं पक्का तो नहीं बोलता, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉस्ट इन स्पेस हमें इसी साल देखने को मिलेगा, मे बी दिसंबर तक तो डेफिनेटली देखने को मिल ही जाएगा। और आखिरी है ब्रिजर्टन सीजन 2। यार ब्रिजर्टन उन सीरीज में से एक है जिसके बारे में पर्सनली मैं खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि यार ये शो किस लेवल का होगा, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो उसके बाद तो भाई मैं दीवाना हो गया। और लेडी विसल डाउन के जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं वो तो पढ़ने का जो मज़ा है वो मज़े अलग है, उस टाउन को भी मज़ा आता है और हमको भी मज़ा आता है। और कल या एक दो दिन पहले लेडी विसल डाउन ने अपने न्यूज़पेपर में यानी कि अपने आर्टिकल में एक चीज़ बताई है कि इसी साल स्प्रिंग 2021 में सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दैट मींस हमें ब्रिजर्टन सीजन 2 नेक्स्ट ईयर के मिड में यानी कि जून जुलाई अगस्त तक देखने को मिल जाएगा 2022 में। तो यार ये तीनों शो की अपडेट थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार दबा के शेयर करना, वीडियो को लाइक करो, और अगर साले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो, लेकिन सब्सक्राइब करना ही मेन नहीं होता है, उसके बाद जो बेल आइकन है साले उसको भी दबाओ, जो ऊपर ऑल का ऑप्शन है, यार कितनी बार बोलता हूं यार दबाओ, सपोर्ट करो, क्योंकि अगर सपोर्ट करोगे तो ये चैनल चलेगा, वरना तुमको तो पता है कि यार लगे पड़े हैं, रस्ते लगे पड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा खासा हो जाए, वरना अपना भी और तुम्हारी जो दीदी है जिसको तुम लोग फॉलो करते हो अपना भी नाम वहाँ पर आ सकता है, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते उस साला। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।